हेलो स्टूडेंट्स 2023 में एन ने सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं उनमें काफ़ी चेंजेस लाए हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको रिड्यूस कर दिया गया है या रिमूव कर दिया गया है कोविड के पेंडेमिक को देखते हुए या फिर बहुत सारे अदर फैक्टर्स को भी देखते हुए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है जैसे डिफ़िकल्टी लेवल कोई चैप्टर या कोई कंटेंट अगर क्लास के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो उसे रिमूव कर दिया गया है सब्जेक्ट से और उसके बाद ये भी देखा गया है कि कोई टॉपिक या कोई कंटेंट है जो लोअर क्लास और हाइयर क्लास में सेम है और सेम सब्जेक्ट में है तो उसको भी रिमूव कर दिया गया है एक क्लास से ठीक है उसके बाद ये भी देखा गया है कि अगर कोई कंटेंट ठीक है मान लीजिए एलैंथ क्लास है कोई कंटेंट है वो बायोलॉजी में भी है और सिमिलर कंटेंट ही केमिस्ट्री में है तो उसे एक सब्जेक्ट से रिमूव कर दिया गया है आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास टेन इलेवन एंड ट्वेल्थ के बायोलॉजी से कौन कौन से कंटेंट को रिड्यूस किया गया है जो चैप्टर नंबर फाइव है प्रियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस पूरे चैप्टर को रिमूव कर दिया है एन ने ठीक है नेक्स्ट है चैप्टर नाइन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन फर्स्ट आप देखिए कि इस चैप्टर का नाम जो 2023 में जो नई बुक प्रिंट होंगी उनमें नाम होगा इस चैप्टर का हेरिडिटी ठीक है पहले क्या था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन अब जो नई बुक्स प्रिंट होंगी उनमें नाम होगा हेरिडिटी इसमें से क्या क्या रिमूव किया गया है बॉक्स आइटम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ठीक है नेक्स्ट बॉक्स आइटम है ओरिजन ऑफ लाइफ ऑफ ऑन अर्थ नेक्स्ट है हाउ डू फोजिल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर मॉलिक्यूलर फाइलोजनी इवोल्यूशन एंड इलस्ट्रेशन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स हो गया स्पेसिएशन हो गया एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन हो गया नेक्स्ट है ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स फॉजल्स इवोल्यूशन बाय स्टेजेस इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस ह्यूमन इवोल्यूशन ये सारे टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं ठीक है नेक्स्ट है चैप्टर इलेवन चैप्टर इलेवन है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड ठीक है इसमें से क्या क्या टॉपिक रिमूव हुए हैं डैमेज टू और माल फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजअल सिस्टम वाई डू वी हैव टू आइज़ फॉर वीजन एंड नॉट जस्ट वन ये रिमूव हो गया है नेक्स्ट कलर ऑफ द सन एट सन राइज एंड सनसेट ये जो है ना कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट ये फिजिक्स में भी सेम है इसलिए इसलिए यहाँ बायोलॉजी से रिमूव कर दिया गया है नेक्स्ट है चैप्टर नंबर ट्वेल्व इलेक्ट्रिसिटी इसमें से क्या रिमूव किया गया है बॉक्स आइटम है फ्लो ऑफ चार्जेस इन साइड ए वायर चैप्टर नंबर थर्टीन जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसमें से रिमूव किया गया है माइकल फेराडे एंड इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक जनरेटर ये रिमूव कर दिए गए हैं ठीक है ठीके? साथ साथ इनके पेज नंबर भी दिए गए हैं कि कौन कौन से पेज नंबर पर ये टॉपिक हैं जिन्हें रिमूव किया गया है नेक्स्ट चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी इस पूरे चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है उसके बाद है चैप्टर नंबर सिक्सटीन सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इस फुल चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है तो जो अब दो में ठीक है जो बैच स्टार्ट होगा जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें जो न्यू बुक्स प्रिंट होंगी ना उनमें ये जो टॉपिक्स हैं या ये जो चैप्टर हैं वो नहीं होंगे क्लास एलेवन के बायोलॉजी सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है यहाँ पे हम ये देखेंगे ये देखो जो चैप्टर नंबर वन है द लिविंग वर्ल्ड इसमें से क्या क्या रिमूव किया गया देखो यहाँ पे पेज नंबर भी लिखे हुए हैं कि इन पेज नंबर से ये ये जो टॉपिक है कंटेंट है इनको रिमूव किया गया है फर्स्ट है वट इज़ लिविंग टेक्सोनॉमिकल एड्स बोटानिकल गार्डन्स म्यूज़ियम जुलॉजिकल पार्कस ये सब रिमूव किया गया साथ के साथ इसमें ये भी बताया गया कि कौन कौन से समरी या क्वेश्चन नंबर रिमूव किया गया है ठीक है उसके बाद है चैप्टर नंबर थ्री जो है प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम से रिमूव किया गया एनजीओ स्पम्प्स प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समरी जिसमें है पैरा फाइव एंड सिक्स क्वेश्चन नंबर टेन ठीक है चैप्टर नंबर फाइव है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इनमें से रिमूव किया गया है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ लीवस फेबिएसी फैमिली लिलियसी फैमिली ये रिमूव किए गए हैं अकॉर्डिंगली क्योंकि अब टॉपिक रिमूव हो रहे हैं तो उनके क्वेश्चन भी रिमूव होंगे तो क्वेश्चन नंबर है वन टू सिक्स ये ये सब क्वेश्चन रिमूव कर दिए गए नेक्स्ट है चैप्टर नंबर सिक्स चैप्टर नंबर सिक्स है अनोटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें से जो जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वो हैं द टिश्यूज़ मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ सिंपल टिश्यूज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज सेकेंडरी ग्रोथ वस्कुलर कैम्बियम उसके बाद रिमूव हुआ है एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड वुड एंड सैप वुड कॉक कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स अकॉर्डिंगली जो जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन नंबर्स थे वो भी रिमूव हो गए नेक्स्ट है चैप्टर नंबर सेवन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इसमें से कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं एनिमल टिशूज़ एपिथीलियल टिशूस कनेक्टिव टिश्यू मसल टिश्यू न्यूरल टिश्यू अर्थ वॉम मॉरफोलॉजी अनोटमी काक्रोच मॉर्फोलॉजी अनोटमी ठीक है मतलब अर्थवॉर्म की मॉर्फोलॉजी अनोटमी कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी एंड अनोटमी ये सब रिमूव हुए हैं उसके बाद जो ये टॉपिक रिमूव हुए हैं उनके ये क्वेश्चन हैं ये भी रिमूव कर दिए गए हैं ये था जो चैप्टर नंबर सेवन से रिमूव हुआ है उसके बाद है चैप्टर नंबर नाइन चैप्टर नंबर नाइन है बायोमोलिक्यूल्स इसमें से क्या क्या रिमूव हुआ है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टुन्ट्स कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग द लिविंग स्टेट ठीक है क्वेश्चन नंबर ये सब रिमूव हुए हैं उसके बाद है चैप्टर नंबर इलेवन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ये फुल चैप्टर रिमूव हो गए मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर ट्वेल्व ये भी फुल चैप्टर रिमूव हो गया है उसके बाद है चैप्टर नंबर फिफ्टीन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें से जो रिमूव हुआ है वो हुआ है फोटोप्रियोडिजम वर्नेलाइजेशन सीड डोरमेंसी और जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सब रिमूव हुए हैं नेक्स्ट है चैप्टर नंबर सिक्सटीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये फुल चैप्टर रिमूव हो गया फुल चैप्टर उसके बाद है चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसमें से रिमूव हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग आई पार्ट्स ऑफ आई मकैनिज़म ऑफ विजन द ईयर मकैनिज्म ऑफ हियरिंग उसके क्वेश्चन जो उनसे रिलेटेड थे वो सब रिमूव हो गए अब हम देखेंगे कि ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी से कौन कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं फर्स्ट है फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये फुल चैप्टर रिमूव हो गया है फुल चैप्टर रिमूव हो गया है उसके बाद है चैप्टर नंबर नाइन स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ये भी फुल चैप्टर रिमूव हो गया है ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी से उसके बाद है चैप्टर नंबर थर्टीन ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इसमें से जो जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वो है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट मेजर एबायोटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स अडपटेशंस और इनके इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो उसके बाद है चैप्टर नंबर फोर्टीन इकोसिस्टम इकोसिस्टम से जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन सक्सेशन ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिएंट एंड इकोसिस्टम कार्बन साइकिल इकोसिस्टम फॉर फोरसाइकिल इको सिस्टम, सिस्टम, फौर, सिस्टम सर्विसेस ये सब रिमूव हुए हैं और इनके जो पेज नंबर हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं उसके बाद है चैप्टर नंबर सिक्सटीन एनवायरमेंटल इश्यूज ये फुल चैप्टर रिमूव हो गए तो जो बायोलॉजी का सिलेबस था उसमें हमने देखा कि टेंथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में से कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं अब जो बुक्स प्रिंट होंगे टू में ठीक है वो इसके अकॉर्डिंग ही प्रिंट होंगी